इस वीडियो में हम टर्गर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे और प्रीवियस वीडियोस में हमने एसेंट ऑफ सैप या कंडक्शन ऑफ सैप डिस्कस किया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये टर्गर प्रेशर मतलब है क्या। तो देखिए आप दो प्लांट देख रहे हैं, एक आप ये प्लांट देख रहे हैं, देखिए ये दोनों सेम ही प्लांट का है। ये वाला देखिए थोड़ा सा मर गया है मतलब, ओके क्यों? क्योंकि इसको पानी नहीं मिला अच्छे से। आप देख सकते हैं, इसको हम अच्छे से फोकस करके दिखाएं, ये देखिए। तो अब देख रहे हैं इसको हमने से सीधा रखा है, पर ये कैसे ड्रूप है, देखिए मुरझा के नीचे तरफ लटका हुआ है ऐसे ना, ड्रूप डाउन कर रहा है। मतलब आप इसको देखिए ऐसे सीधा नहीं, एकदम अच्छे से एकदम ना एक्सपैंड होके नहीं खड़ा है। ये देखिए कैसा सा मुरझा गया, देखिए सूख कैसा लग रहा है, लटक गया। मतलब ऐसा नहीं जैसे हम लोग ह्यूमंस में कैसे बोलते हैं कि हम लोग के पास देखिए स्केलेटन है, इसलिए हम लोग सीधे अपने हम लोग ने क्लास 3 में पढ़ा होता है कि स्केलेटन ही हम लोग को ना पोस्चर देता है कि हम लोग सीधे खड़े होते हैं, वरना हम लोग भी ऐसे मुरझाए रहेंगे। ये देखिए कैसे मुरझा के, देखिए ये सीधे नहीं खड़ा है इसका, ये देखिए हम सीधा कर भी रहे हैं तो ये ऐसे नीचे नीचे झुक जा रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें टग प्रेशर नहीं है। अब आप देखिए वो सेम सेम प्लांट को हम लेके आए हैं, आप देखिए ये वाला कितना अच्छा है। देखिए इसको हम ऐसे सीधे कर रहे हैं तो देखिए ऊपर स्ट्रेट खड़ा है। अभी तो देखिए हमने तोड़ के लाया इसको, ताज़ा ताज़ा, इसलिए अभी स्ट्रेट खड़ा है, पर थोड़ी देर बाद ये भी मुरझा जाएगा क्योंकि इसको ऑब्वियसली हम अपरूट कर दिए हैं। देखिए ना लेकिन इसमें कितना फर्क है, ये देखिए सीधे खड़ा है। इसको लेकिन आप सीधे नहीं खड़ा कर सकते, आप देखिए ना कैसा हो गया है। इसको सीधा कैसे ही करेंगे हम, देखिए जितना भी हम इसको खींच के भी सीधा कर रहे हैं ना ऐसे ऊपर करके, फिर भी वो मुरझा ही जा रहा है। तो इससे हम टर्गर प्रेशर समझ सकते हैं। इन दोनों प्लांट से देखिए आप टर्गर प्रेशर, जिसमें टर्गर प्रेशर है वो ऐसे सीधे सीधा सा रहेगा देखिए, और ये देखिए कैसा एकदम एकदम ही मरा वो हो गया, मुरझा गया है। अब देखिए तो आप देखिए टर्गर प्रेशर क्या है, टर्गर प्रेशर ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो देखिए टर्गर प्रेशर आता कहाँ से है, अगर सोचिए कि हमारा सोचिए प्लांट है ना, हम लोग जब पानी नहीं देते, अब देखिए वो जो प्लांट हमने दिखाया ना एग्जाम्पल में, वो जो थोड़ा मरा हुआ है उसको देखिए पानी नहीं मिला इसलिए वो ऐसा हो गया है। मतलब पानी बहुत जरूरी है प्लांट के लिए। तो देखिए ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अ प्लांट प्लांट सेल बिकम्स पॉलेल। तो जब हम लोग ने प्लांट प्लांट को पानी दिया, ऑब्वियसली हमने रूट से पानी दिया, तो अब सोचिए कि रूट में, सोचिए ऐसे रूट में हमने मतलब ये सोचिए ऐसा प्लांट था तो इसका रूट ऐसा 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 था, ठीक है, उसको हमने पानी दिया। तो जब पानी दिया ना तो वो पानी एसेंट ऑफ सैप, एसेंट ऑफ सैप अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ना, वो पानी ऊपर चढ़ते 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 ऐसे चढ़ के ना उस प्लांट को मतलब उस सारे पत्ती के, उसके पत्तियों को, उसके फूल को, उसके फल को, सबको पानी देता है और उससे वो ना एक्सपैंडेड टाइप के रहते हैं। तो वो हमारा टग प्रेशर है, बहुत ज़रूरी है टग प्रेशर। ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, देखिए इसको फोकस करते हैं, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अ प्लांट सेल बिकम स्वॉलन और टर्जेड। स्वॉलन मतलब फूला फूला लगता है और टर्जेड मतलब उसमें पानी है, वो अच्छा सा, जैसे नहीं तो स्ट्रेट प्लांट, स्ट्रेट प्लांट ऐसे खड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि ऐसे मुरझा के रखा है, ओके तो इसमें होता क्या है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस टर्जेड सेल प्रेसेस द सेल वॉल आउटसाइड विद अ फोर्स कॉल्ड टर्जेड टग प्रेशर। तो देखिए एक सेल उसका प्रोटोप्लाज्म है, उसमें जो फ्लूइड वगैरह उसका है, ठीक है, बाहर का जो हमारा सेल वॉल होता है, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ना ये सेल वॉल को ऐसे पुश करता है, यही प्रेशर हमारा टर्ग प्रेशर है, ओके ये बहुत ध्यान से समझने वाली बात है कि इसका जो प्रोटोप्लाज्म है वो सेल वॉल, सेल वॉल बाहर वाला स्ट्रक्चर होता है ना, उसको बाहर का जो मेम्बर सेल वॉल है, ओके उसको वो पुश करता है, अंदर का प्रोटोप्लाज्म मतलब इसमें जो कॉन्टेंट्स है उस सेल का, प्लांट सेल का, तो उसको पुश करता है, वो प्रेशर है हमारा टर्ग प्रेशर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, ओके सो फिर एक और बार पढ़ते हैं इसको, ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अ प्लांट सेल बिकम्स स्वॉलन और टर्जेड, ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस टर्जेड सेल, जब वो एब्जॉर्ब किया है पानी इसीलिए वो प्रोटोप्लाज्म इसको पुश कर रहा है। यहाँ पे हम लोग ऐसे नीचे से पानी दिए, पानी गया पत्तियों में, उसके सेल्स में गया, तो उसको पुश करके उसको टर्जेड या स्वॉलन बना रहा है, ओके सो दिस टर्जेड दिस सेल, अब देखिए द प्रोटोप्लाज्म ऑफ दिस टर्जेड सेल प्रेशर द सेल वॉल आउटसाइड विद द फोर्स कॉल्ड टर्ग प्रेशर, ठीक है। काम क्या है टर्ग प्रेशर का, इट कीप्स लीव्स फ्लावर्स फ्रूट्स ऑफ द प्लांट एक्सपेंडेड, यही हमने बताया ना, पत्ता फूल फल सब एक्सपेंडेड होगा, ऐसा नहीं कि ऐसे सूखा है, फिर आप देखते हैं ना एप्पल वगैरह आप रखते हैं तो एकदम सूख जाता है, वैसा नहीं होगा, सड़ा सूखा ऐसा नहीं होगा, बहुत अच्छा फ्रेश फ्रेश लगेगा, ओके इट कीप्स दिस प्लांट एक्सपेंडेड। डिक्रीज इन टर्ग प्रेशर ऑफ द सेल लीड्स टू विल्टिंग, इसका मतलब क्या है, देखिए अगर आप सोचिए कि हम पानी डालना भूल गए या फिर पानी नहीं मिल रहा है किसी भी वजह से, उस प्लांट को पानी नहीं मिल रहा है तो उसमें विल्टिंग होगा, यही विल्टिंग है, मतलब एकदम ऐसे नीचे से ऐसे मुरझा जाएगा। देखिए अभी हम इसको तोड़ के लाए हैं ना, अब थोड़ी देर में ये भी ना देखिए पहले से वो मुरझा जाएगा धीरे धीरे जब पानी की कमी हो जाएगी, क्योंकि पानी मिलने से ना, अब देखिए ये वाला डायग्राम, अब देखिए ना पानी हम यहाँ से डाल रहे हैं, सोचिए ये चढ़ के ना उसको एकदम फ्रेश और अच्छे से सक्यूलेंट रख रहा है, ओके तो ये इसमें टग प्रेशर है, और अगर सोचिए टग प्रेशर कम हो गया मतलब पानी उसको मिल नहीं रहा है जैसे भी हो, या फिर ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है तो वो विल्ट करेगा, मतलब ये सोचिए प्लांट इस तरह से है ना, वो प्लांट सोचिए ऐसे ऐसे मुरझा जाएगा ऐसे नीचे की तरफ, ओके कोई भी प्लांट, इसीलिए टग प्रेशर या पानी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए।